नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कपूर, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में इस बार हम आपके सामने लेके आए हैं 50 गज का फ्लैट है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन में है, मेट्रो से डिस्टेंस बहुत ही कम है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी डायरेक्टली आती है, यहाँ से आप द्वारका के लिए कनेक्टिविटी इजीली ले सकते हैं। अगर आप मेट्रो कनेक्टिविटी लेना चाहते हैं वो आपको इजीली मिल जाती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही पीसफुल एरिया है। बिल्डिंग की अगर मैं आपकी डायमेंशन की बात करूंगा तो बिल्डिंग का जो मेरा प्लॉट एरिया आता है वो ऑलमोस्ट 200 गज का आता है, जिसके अंदर मैंने आपको नीचे पार्किंग का सेक्शन दिया है। विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग आपको ये फ्लैट मिल सकता है। इसके अंदर आपके लिए क्या रहेगा कि मेरे दो फ्लैट फ्रंट पे आते हैं 50-50 यार्ड के, दो फ्लैट मेरे बैक साइड पे आते हैं 50-50 यार्ड के। बहुत ही खूबसूरत फ्लैट हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। प्राइस का मैं डिस्क्लोज करूंगा वीडियो के अंत में। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं हमारी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन और हमारे यहां का स्ट्रीट साइज, और आप देखिएगा कि किस तरीके से हमने इस बिल्डिंग को तैयार किया। तो आइए मेरे साथ। तो ये अभी आपने देखा मेरा लिफ्ट का सेक्शन। लिफ्ट सेक्शन के बाद हम एंट्री करने लगे हैं अपनी फ्लैट की ओर। आप देख सकते हैं कि हमने 4 फीट की हाइट तक पूरा यहाँ के टाइल्स का प्रोविजन दिया हुआ है। तो आइए स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे 2 BHK के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही लग्जरी फ्लैट के अंदर, जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। और दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, गौर की होगी, कि हम हर बार आपके लिए काफ़ी बेस्ट प्राइस के फ्लैट्स हम लेके आते हैं, क्योंकि हमारा मानना है अपने सपने का घर आपको मिलेगा सिर्फ दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार से। तो आपने यहाँ विजिट करनी है। जो भी स्क्रीन पे आपको नंबर्स शो हो रहे हैं वो उस नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जल्दी से जल्दी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकती है। क्योंकि हो सकता है कई बार आपको जो ये मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ ये शायद आपके बजट में ना आए, या आप शायद इससे भी बहुत ही बेटर या बहुत अच्छे बजट का फ्लैट प्लान कर रहे हो। तो अगर आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको आने वाली मेरी वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी, क्योंकि अभी अपकमिंग वीडियोस जो भी हमारी हैं वो काफ़ी अच्छे रेट के साथ हम लेके आ रहे हैं। तो आज हम जब एंट्री कर चुके हैं अपने लिविंग सेक्शन में, तो लिविंग सेक्शन को आप देख सकते हैं, यहाँ हमने आपको पीछे वॉलपेपर लगा के दिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एरिया बहुत ही शानदार एरिया है, बहुत ही शांत एरिया है। यहाँ लिविंग सेक्शन के अंदर हमने यहाँ आपको देखिए वॉलपेपर लगा के दिया है, काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर का पैटर्न है। साथ ही साथ स्प्लिट एसी की वायरिंग हम आपको ऑलरेडी करके दे रहे हैं। इसके बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि हमने यहाँ ऊपर की साइड आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत लिविंग एरिया के अंदर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हम आपको दे रहे हैं। ब्लू कलर की कॉप लाइट्स के साथ ये एरिया बहुत ही शानदार लगेगा। और अगर बात करूँ इसकी डायमेंशन की, तो लिविंग एरिया के अगर मैं पूरी डायमेंशन की एग्जैक्ट बात करता हूँ तो ये 10x10 का अप्रॉक्स आपका पूरा लिविंग एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एल शेप का सोफा प्लेस कर सकते हैं, एल शेप में आप अपना पूरा सोफा प्लेस कर सकते हैं इसी लिविंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप अपना सोफा प्लेस करने के बाद सामने की साइड आप देखिएगा,
कि आप थोड़ा सा इधर आके दिखाइए कि हमारा किचन एरिया कितना बढ़िया लग रहा है। किचन एरिया आप देख सकते हैं कि किचन का सेक्शन काफ़ी खुला है, ये स्पेस आपको काफ़ी खुला मिल रहा है और यहाँ पे आप अपना आपका यहाँ चिमनी प्लेस हो जाएगी, ये आपका प्रोविज़न आ जाता है, यहाँ पे आप अपना गैस चूल्हा इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जितना भी हमने यहाँ काम किया है सब SS का काम है, बहुत ही अच्छा हाइड्रोलिक कब्जों के साथ हमने यहाँ आपको पूरा रेडी करके दिया हुआ है। गोल्डन एंड क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में ये हम आपको किचन बना के दे रहे हैं और यहाँ पे सामने की तरफ आप अपना RO प्लेस कर सकते हैं, इवन गीजर के पॉइंट्स भी हमने आपको वहाँ दिए हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके टैप कनेक्शंस हो जाएंगे, यहाँ आप अपना टैप लगाइएगा, यहाँ पे आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर की फिटिंग्स वगैरह आ जाएगी, यहाँ आपका हो जाता है। इसके साथ ही हमने किचन में से एक शाफ्ट दी हुई है, शाफ्ट एरिया आ गया, यहाँ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो किचन एरिया के बाद अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से हमारा कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ एक बार, आप कॉमन वॉशरूम देख लीजिए, काफ़ी स्पेशियस स्पेस के अंदर कॉमन वॉशरूम बनाया और काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे हम अपना जितना भी सैनिटरी का सामान यूज़ होगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा और यहाँ वॉल टू वॉल हम आपको पूरा टाइल्स लगा के दे रहे हैं, ऊपर आप अपना एग्जॉस्ट फिट कर सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा जो भी आपका सैनिटरी के प्रोडक्ट यूज़ किए जाएंगे, जितना भी सामान रहेगा सब अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे हम आपको लगा के देते हैं, बहुत ही स्पेशियस है स्पेस वॉशरूम का। इसके बाद मैं अब आपको लेके आ रहा हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम में, तो आइए आप मेरे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम में आप देख सकते हैं थोड़ा फिनिशिंग का पेंट का काम चल रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे जैसे स्टेयर रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बेडरूम भी हमने ऊपर कॉप लाइट का काम देखिए, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिए, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे हम आपको यानी तो टेक्चर पेंट करा के देंगे या फिर अगर आप कहते हैं तो आपको एक वॉलपेपर लगा के देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन इस रूम की जो है वो अप्रोक्स 10x10 का ये मेरा रूम साइज आ जाता है, तो यहाँ पे आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रूम साइज है। इसके अलावा हमने इस रूम के अंदर भी आपको स्प्लिट AC के वायरिंग का कनेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से होने के बाद मैं आपको लेके आने वाला हूँ अपना सेकेंड बेडरूम के अंदर, जो कि मेरा वॉशरूम अटैच्ड है सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम में आप मेरे एंट्री करने लगे हैं। सेकेंड बेडरूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँगा तो मेरा जो एरिया है सेकेंड बेडरूम का वो भी अप्रोक्स 10x9 का मेरा सेकेंड बेडरूम का एरिया है। दूसरा, हमने जितनी भी टाइल्स यूज़ की हुई हैं डिजिटल वर्टिफाइड टाइल्स हैं जो हम अपना यूज़ करते हैं सारी फिनिशिंग्स के लिए, सारी टाइल्स के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमारी ये टाइल्स रहती हैं। और इसके साथ ही साथ अब आपको सामने की तरफ दिखाता हूँ कि यहाँ हमने आपको अलमीरा भी बना के दी हुई है, जो कि आपकी अप्रोक्स 3x9 की पूरी पूरी अलमीरा है, यहाँ पे आप अपना काफ़ी अच्छे से सामान स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ भी आपके पास स्पेस है जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास इसके अंदर कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई है जिसमें मेरे पास फ्रंट और बैक के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जो अभी इस समय पे आप फ्लैट देख रहे हैं ये मेरा फ्रंट का फ्लैट है, तो इसी फ्लैट में LED पैनल का आप देखिए कितना बढ़िया LED पैनल हमने आपको यहाँ बना के दिया हुआ है, पूरा LED पैनल काफ़ी अच्छे तरीके से हमने LED पैनल दिया हुआ है। यहाँ पे अपने LED 55 इंचेस तक का आप अपने LED लगा सकते हैं। इसके बाद आइए जरा आप दिखाइए आगे की तरफ, यहाँ हमारा ये हमारा अटैच वॉशरूम आ गया। अटैच वॉशरूम का भी जो स्पेस है काफ़ी अच्छा स्पेस है अटैच वॉशरूम का भी, इसके अंदर अपना यहाँ पे सैनिटरी वर्क जो भी रहेगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रहेगा और साथ बाहर की तरफ आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट के लिए आप अपना डायरेक्टली वहाँ पे लगा सकते हैं शाफ्ट के अंदर। अब यहाँ से आने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ अपना बालकनी एरिया। अच्छा, तो ये वाले रूम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना विंडो AC प्लेस कीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। इसके अलावा अब हम आएंगे हमारे बालकनी एरिया में। बालकनी एरिया के अंदर आप देखेंगे कि हमने सामने की तरफ यहाँ पे टाइल्स यूज़ की हुई हैं, जो राइट साइड में हमने वॉल्स पे पूरी पूरी टाइल्स दी हुई है। साथ ही साथ हमने आपको देख रहे हैं अब जो ये आउटडोर रहेगा जो स्प्लिट ACs के दो जो AC आप लगा सकते हैं उनके आउटडोर आप बाहर लगा सकते हैं। इसके अलावा पूरा स्टील का अच्छा हमने वर्क किया हुआ है जो आपको हम सामने की तरफ दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं इस एरिए के अंदर। यहाँ आपको टैप कनेक्शन मिल जाएगा, इधर यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। एक बार नज़र लगवाइए गली की तरफ, दिखाइए ज़रा
देख सकते हैं आप कितनी शानदार गली है, बिल्कुल शांत गली है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर बहुत ही, मतलब इस गली के अंदर आप ये कह सकते हैं हम सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको इस गली में जो रहते हैं या जो जिनको ज़रूरत है आने की, मतलब कोई एक्स्ट्रा लोग यहाँ से आना जाना, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इस गली में एक्स्ट्रा लोगों का आना जाना या फिर कोई आवाजावी लोगों की एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ उस वही लोग मोस्टली आएंगे जो इस एरिया में रहते हैं। तो ये द्वारका के बहुत ही पास है ये एरिया, ठीक है। और इन्वेंट्रीज आपको मैंने बता दी कि कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज है, कार पार्किंग का ऑप्शन है यहाँ पे, लिफ्ट का ऑप्शन है जो आपको मिल सकता है। तो आपने दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार की सारी वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करना है, शायद हो सकता है आपके ज़रूरत का घर यही हो। तो आपने हमारे इस चैनल को, दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, और जितनी हो सके हमारी वीडियोस को आप शेयर कीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो प्राइस है वो रिवील करूंगा वीडियो के एंड में, तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे ये 2 BHK के फ्लैट की जो स्टार्टिंग रेंज आपको मिलेगी इस बिल्डिंग के अंदर वो रहेगी 22,50,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग विद लिफ्ट, और इसके अंदर कार ऑप्शन अवेलेबल है, आपको लिफ्ट के साथ ये बिल्डिंग मिलेगी, फ्रंट बैक के ऑप्शन अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच, और बाकी आपको मिलते हैं हम नई वीडियोस के साथ, और थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमें देने के लिए, धन्यवाद।